टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क 21-22 अप्रैल को भारत आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने भारत की विजिट को कैंसिल कर दिया था। कारण उन्होंने बताया कि टेस्ला के काम की वजह से वो भारत नहीं आ पाएंगे। उनकी भारत यात्रा के दौरान 2 से 3 बिलियन डॉलर निवेश की उम्मीद की जा रही थी और साथ ही भारत में स्टारलिंक और टेस्ला को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती थी, लेकिन चूंकि मस्क ने इस विजिट को कैंसिल कर दिया था तो पूरे प्लान को फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ जिससे सब चौंक गए। दरअसल इलॉन मस्क भारत की यात्रा को कैंसिल कर पड़ोसी देश चाइना पहुंच गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मस्क चाइना क्यों गए हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल इलॉन मस्क रविवार 28 अप्रैल को चीन के दौरे पर रवाना हुए। यहाँ हैरान करने वाली बात ये है कि इलॉन मस्क का चाइना का दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने भारत के दौरे को टाल दिया था। साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात को भी टाल दिया था। अब इलॉन मस्क के अचानक हो रहे चाइना विजिट की वजह से कई तरह के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर कुछ बातें सामने भी आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चीन में वो टेस्ला को लेकर नया प्लान बनाकर ले गए हैं। वो फुल सेल्फ ड्राइविंग यानी कि FSD सॉफ्टवेयर के रोल आउट और विदेश में डेटा ट्रांसफर को लेकर बातचीत करेंगे। डेटा ट्रांसफर से वो अपने टेस्ला के FSD एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे और उसे बेहतर बनाने पर काम करेंगे। रॉयटर्स ने चीनी मीडिया का हवाला देकर बताया कि उन्होंने बीजिंग में प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान ली ने मस्क से कहा कि वो चीन में टेस्ला के डेवलपमेंट को अमेरिका चाइना आर्थिक और व्यापार सहयोग का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल मान सकते हैं। इलॉन मस्क ने चीनी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी शेयर किया और खुशी जाहिर की, जिसमें उन्होंने चाइना के प्रधानमंत्री के साथ फोटो शेयर किया था। आपको बता दें कि अमेरिका इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर यानी कि टेस्ला ने 4 साल पहले अपने ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर का ऑटोनॉमस वर्जन फुल सेल्फ ड्राइविंग यानी कि FSD लॉन्च किया था, लेकिन कई कस्टमर्स की रिक्वेस्ट के बाद भी अभी तक इस सर्विस को चाइना में अवेलेबल नहीं कराया गया। सोशल मीडिया पर एक सवाल के जवाब में हाल ही में इलॉन मस्क ने कहा था कि वो जल्द ही चाइना के ग्राहकों के लिए FSD अवेलेबल कराएंगे। FSD सॉफ्टवेयर वाली टेस्ला में ड्राइवर को कार चलाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो ऑटो पायलट मोड में खुद ही चल रही होती है। ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर को, जैसा आपको बताया कि 4 साल पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक इस सर्विस की शुरुआत नहीं की गई है। चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, क्योंकि चाइना में इस वक्त BYD, ली ऑटो और एक्सपेंग नाम की कार कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में गाड़ियां बना रही हैं। BYD की इलेक्ट्रिक कारें चीन में सबसे ज्यादा बिकती हैं। ऐसे में टेस्ला को रीजनल EV व्हीकल से खतरा तो है। एक्सपेंग जैसे चाइनीज EV मैन्युफैक्चरर इसी तरह के सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके टेस्ला पर बढ़त हासिल कर रहे हैं। मस्क ने चीन की मार्केट में टेस्ला के जरिए 10 साल पहले एंट्री की थी और अब तक 17 लाख कारें बेच भी चुकी है। शंघाई प्लांट ग्लोबल लेवल पर टेस्ला का सबसे बड़ा प्लांट है। तो वैसे में मस्क चीन की राजधानी बीजिंग में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी करने वाले हैं और उनको सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं वहां के डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां जो हैं वो ओवरटेक ना कर दे इलॉन मस्क की टेस्ला को। अगर भारत में उनके प्लान की बात करें तो हाल ही में उनकी विजिट से पहले सरकार ने विदेशों की कंपनियों के लिए EV पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए थे और काफी सारी छूट भी दी थी। वहीं टेस्ला के प्लांट को लेकर कई राज्य सरकारें भी आगे आई थी ताकि टेस्ला सही तरीके से अपना प्लांट भारत में स्थापित कर सके। इसके अलावा रिलायंस और टेस्ला के बीच में भी प्लांट को लेकर डील होनी थी, लेकिन अभी के लिए तो ये सारा का सारा मामला साल के एंड तक के लिए पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि इलॉन मस्क की तरफ से ये कहा गया है कि इस साल के एंड में वो भारत में विजिट करेंगे। वेल, आपको क्या लगता है कि भारत के दौरे को कैंसिल कर क्या इलॉन मस्क का चाइना जाने का कदम सही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।